तो दोस्तों आज के इस वीडियो के थ्रू हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप स्कॉलरशिप के हैं या NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में अगर आप स्कॉलरशिप की है तो स्कॉलरशिप का जो सैंक्शन लिस्ट है वो लिस्ट आप कैसे चेक कर सकते हो, यानी जो सैंक्शन लिस्ट है जो वेरीफाई करने के बाद जो लिस्ट आती है, जो फाइनलाइज लिस्ट आती है, सिर्फ आपका अकाउंट में पैसा नहीं बाकी रह जाती है, सिर्फ आपका जो आपका सारे जो प्रोसेस है कंप्लीट होने के बाद जो लिस्ट निकालती है वो लिस्ट सैंक्शन लिस्ट आप कैसे देख सकते हो, यानी आपका कॉलेज का किस किन किन लोगों को स्कॉलरशिप हुई है, कितना हुई है, आपका भी वह नाम वहाँ पर सैंक्शन हुए है या नहीं, यानी आपका स्कॉलरशिप होगा या नहीं, ये भी आप आसान तरीके से चेक कर सकती हो। दोस्तों ये कैसे चेक कर सकते हो तो इसके लिए आज इस वीडियो के में पूरा प्रोसेस आपको दिखाने जा रही हूँ। तो दोस्तों इसके लिए अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में किसी एक ब्राउज़र पर जाइए, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप आपका एंड्रॉयड फ़ोन पर किसी एक ब्राउज़र पर जाइए और वहाँ आप टाइप कीजिए NSP लिया होगा। दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे सकूँ तो वहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो उसके बाद देखिए यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ही क्लिक करनी है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा स्कीम वाइज स्कॉलरशिप सैंक्शन लिस्ट, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करो तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कुछ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए सोर्स एकेडमिक ईयर, यहाँ आपका एकेडमिक ईयर सोर्स कीजिए कौन सी ईयर का है तो यहाँ आप टाइप कीजिए। इसके बाद यह सोर्स एप्लीकेशन टाइप कौन सी टाइप का आपका एप्लीकेशन है, फ्रेश है या रिन्यूअल है, जो भी हुआ टाइप कीजिए। जो मेरा रिन्यूअल है तो मैं रिन्यूअल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यह मिनिस्ट्री यानी आप सेलेक्ट कीजिए, मैजिस्ट्री सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपको यही सिलेक्ट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स आपको यही सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है कौन सा स्कीम है, अगर आप 10 क्लास से नीचे है या 10 क्लास है तो आप सेलेक्ट कीजिए प्री मैट्रिक, अगर आप 10 क्लास से ऊपर ही यानी हायर सेकेंडरी या कॉलेज से तो आप सेलेक्ट कीजिए पोस्ट मैट्रिक। दोस्तों इसके बाद आपको यह आपका स्टेट सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग्स करते हो। दोस्तों मैं आसाम से हूँ तो मैं आसाम सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद नीचे देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ जो कैप्सा दे के रखे है वो कैप्सा यहाँ भर दीजिए। इसके बाद इसे यहाँ सबमिट पर क्लिक कीजिए, तो सॉरी यार उससे रंग हुई है। एक कैप्सा आप ध्यान से बढ़िए कि यहाँ कोई मिस्टेक ना हो जाए। इसके बाद यह सबमिट पर क्लिक कीजिए। दोस्तों जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका कॉलेज का किस किस लोगों को, आपका स्टेट का किस किस लोगों को स्कॉलरशिप हुई है, कितना पैसा उनके अकाउंट पर आएगा, ये सारे लिस्ट आप यहाँ देख सकते हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका कॉलेज का नेम, क्लास, एप्लीकेशन आईडी, स्टूडेंट नेम या आपका अमाउंट भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका आपका जो भी नाम है तो यहाँ से आपका नाम सेलेक्ट कर लेना, जो स्टूडेंट नेम है यहाँ पर आपका नाम सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर आपका स्कॉलरशिप होगा यानी सैंक्शन हुई है तो आप यहाँ से आपका नाम को देख पाएगा, अगर यहाँ पर आपका नाम नहीं है तो आपको समझना होगा कि मेरा जो स्कॉलरशिप है वो हुई है नहीं। तो यहाँ पर आपका कितना रुपया आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा ये भी आप देख सकते हो, कितना रुपया आपका सैंक्शन हुई है। दोस्तों इस साल का जो है 2019-20 ये स्कॉलर ये लिस्ट अभी भी नहीं निकला है, जब भी निकलेगा ये लगभग जनवरी के 20 तारीख के बाद ही ये जो 2019 या 20 का जो स्कॉलरशिप का सैंक्शन लिस्ट वो निकलेगा, तो 20 जनवरी के बाद ही आप इसे यहाँ सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों तब आपको पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह से अगर आपका सैंक्शन लिस्ट आप चेक कर सकते हो कोई भी स्टेट का, कोई भी कॉलेज का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और इस तरह की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, खुदा हाफिज़।